नमस्कार। ये 14 अगस्त 2019 का राष्ट्रपति महोदय का भाषण का भाग 3 है। समय शुरू हो रहा है, थोड़ी देर में स्टार्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम अपने देश की समावेशी संस्कृति की बात करते हैं, तब हम सबको यह भी देखना है कि हमारा आपसी व्यवहार कैसा हो। सभी व्यक्तियों के साथ हमें वैसा ही सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए जैसा हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। भारत का समाज तो हमेशा से सहज और सरल रहा है तथा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता रहा है। हम भाषा, पंथ और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं। हजारों वर्षों के इतिहास में भारतीय समाज ने शायद ही कभी दुर्भावना या पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर काम किया हो। मेलजोल के साथ रहना, भाईचारा निभाना, निरंतर सुधार करते रहना और समन्वय पर जोर देना हमारे इतिहास और विरासत का बुनियादी हिस्सा रहा है। हमारी नियति तथा भविष्य को संवारने में भी इनकी प्रमुख भूमिका रहेगी। हमने दूसरों के अच्छे विचारों को खुशी खुशी अपनाया है और सदैव उदारता का परिचय दिया है। दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों में भी हम सहयोग की इसी भावना का परिचय देते हैं। हमारे पास जो भी विशेष अनुभव और योग्यताएं हैं, उन्हें सहयोगी देशों के साथ साझा करने में हमें खुशी होती है। हम चाहे देश में हो या विदेश में, भारत के इन सांस्कृतिक मूल्यों को हमें सदैव अपने मानस पटल पर बनाए रखना है। भारत युवाओं का देश है। हमारे समाज का स्वरूप तय करने में युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। हमारे युवाओं की ऊर्जा खेल से लेकर विज्ञान तक और ज्ञान की खोज से लेकर सॉफ्ट स्किल तक कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा बिखेर रही है। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि युवा ऊर्जा की धारा को सही दिशा देने के लिए देश के विद्यालयों में जिज्ञासा की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह हमारे बेटे बेटियों और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा अमूल्य उपहार होगा। उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि उनके सपनों में हम भविष्य के भारत की झलक देख पाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे विश्वास है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए भारत अपनी संवेदनशीलता बनाए रखेगा। भारत अपने आदर्शों पर अटल रहेगा। भारत अपने जीवन मूल्यों को संजोकर रखेगा और साहस की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। हम भारत के लोग अपने ज्ञान और विज्ञान के बल पर चांद और मंगल तक पहुंचने की योग्यता रखते हैं। साथ ही हमारी संस्कृति की यह विशेषता है कि हम सब प्रकृति के लिए और सभी जीवों के लिए प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं। उदाहरण के लिए, पूरी दुनिया के जंगली बाघों की
3/4 आबादी को हमने सुरक्षित बसेरा दिया है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को स्वर देने वाले महान कवि सुब्रमण्य भारती ने 100 वर्ष से भी पहले भावी भारत की जो कल्पना की थी, वह आज के हमारे प्रयासों में साकार होती दिखाई देती है। उन्होंने कहा था, शास्त्र और कार्य कुशलता दोनों सीखेंगे हम, आकाश और महासागर की सीमाएं नापेंगे हम, चंद्रमा की प्रकृति को गहराई से जानेंगे हम, सर्वत्र स्वच्छता रखने की कला सीखेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरी कामना है कि हमारी समावेशी संस्कृति, हमारे आदर्श, हमारी करुणा, हमारी जिज्ञासा और हमारा भाईचारा सदैव बना रहे और हम सभी इन जीवन मूल्यों की छाया में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।